Hello? Pooja? Hello? I love you. I love you. कौन हो तुम? क्या चाहते हो? ये कोई वक्त है फोन करने का? प्लीज हमें परेशान करना बंद करो. पूजा बेटी तुम फिर मैं बात करती हूँ. हेलो हेलो ए मिस्टर, तुम है कौन? दस दिन से फोन करके हमें तुम परेशान करता है. मालूम है किसका घर है ये? ये कामता प्रसाद साहब का घर है. हमारे साहब अभी अमेरिका से आने ही वाले हैं. मिनिस्टर रह चुके हैं साहब हमारे. आते ही सीधा तुमको जेल में बंद करवा देंगे. यू सॉरी यू फूल शट अप. फोन ठीक से रखो तारा भाई, कोई भरोसा नहीं. नाना फिर से फ्लाइट मिस कर गए हैं और अभी तक न्यूयॉर्क में ही हो. राइट दे कम पड़ी मम्मी. नमस्ते मिस्टर. कैसे हो बिटिया? ठीक हूँ. हेलो पूजा बिटिया, हाउ आर यू? फाइन. ठीक ठाक हो ना? चल आज कैसी हो तारा भाई? ठीक हूँ साहब. कैसे लग रहा था हमारे बगैर? एनीथिंग एल्स सर? नो ऑस्कर, थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग सर. ओह यस, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सामान नीचे भी है, अभी भिजवाता हूँ. नाना जी बड़ी मम्मी मोटी होकर आई है. कौन कहेगा न्यूयॉर्क इलाज कराने गई थी. और तू कितनी दुबली पतली हो गई है ना? फिर डाइटिंग शुरू कर दी होगी. क्यों तारा भाई? हाँ साहब, खाना ही नहीं खाती, सिर्फ फल खाती है और जूस पीती रहती है. मुझे ये तुम्हारी मॉडलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है. बस आते ही शुरू हो गए ना सारे. रहने भी दो जानकी, थोड़े दिनों में ये 18 साल की हो जाएगी, फिर इसकी शादी हो जाएगी और तुम्हारी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी. शादी? कौन कर रहा है शादी? तुम्हारी नानी तुम्हारे लिए अमेरिका से कमाल का लड़का ढूंढ कर लाई है. वो और उसके पेरेंट्स तुमसे मिलने आ रहे हैं. अमेरिका के हिंदुस्तानियों में टंडन सबसे अमीर खानदान है. नाना जी मैं शादी नहीं करूंगी. देखा तारा भाई, बिल्कुल प्रिया की तरह हाव भाव भी बिल्कुल वैसे. देखो पूजा, तुम्हारी माँ ने अपने तौर तरीके से अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और हमारी भी. मैं तुम्हें वो गलती फिर से दोहराने नहीं दूंगी. शायद भगवान ने मुझे इस बीमारी से इसीलिए बचाया है कि मैं तुम्हारा घर बसता देख सकूं. ये कौन हो सकता है इतनी सुबह? हेलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ पूजा. मैं यही हूँ तुम्हारे घर के पास. आई वॉन्ट टू सी यू वंस. तुम्हारी एक झलक देखना चाहता हूँ बस. देखो अभी हमारे साहब आ गए हैं, ठीक कर देंगे वो तुम्हें. हेलो, किसका फोन था? पता नहीं नाना जी, कोई है जो कई दिनों से फोन करता है, बार बार फोन करता है. क्या कहता है? गालियां देता है? नहीं मैम साहब, आई लव यू बोलता रहता है. आवाज से तो शराबी लगता है. शराबी? कौन हो सकता है ये नाना जी? तारा भाई. हाँ साहब. वो फोन कॉल्स जो हमारी गैर मौजूदगी में आती थी, तुमने आवाज को ठीक से सुना? हाँ क्यों साहब? वो आवाज तुम्हें जानी पहचानी लगी? किसी ऐसे की जिसे तुम जानती हो? ऐसा क्यों पूछ रहे साहब? पूछ रहा हूँ वो आवाज उस हरामी आनंद की तो नहीं? हे भगवान, कहीं वही तो नहीं है? सुनिए, मेरी वो दवाइयां कहाँ रखी है? आ रहा हूँ. जानकी से कुछ मत कहना. हाँ। साहब कहीं वो अपने बेबी से मिलने की कोशिश तो नहीं करेगा? आपको कुछ लगता है ऐसे? शायद. गुड, लुक हियर, फाइन, एक्सलेंट, वन मोर, या, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फाइन, वन मोर, कॉस्ट्यूम चेंज. क्यूपिड, मेरा दम ही निकल गया. देखो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है. चलो ये तो पता चला कि तुम्हारा पत्थर दिल धड़कता तो है मेरे लिए. क्यूपिड, कविता झाड़ना बंद करो, मुझे तैयार होना है. ओके. कहाँ थे तुम इतने दिन से? हाँ बताता हूँ, बताता हूँ.
कैमरामैन का कहना है कि लाइट की कमी की वजह से शॉट 4 बजे के पहले होगा नहीं, इसलिए अगर आप लंच के लिए जाना चाहती हो तो जा सकती हो। फाइन। आइए पूजा जी, आपको लंच के लिए ले जाते हैं। दिस माइल पे नो आधा आधा। फ्री लंच क्या चाहते हो तुम? हाँ बताता हूँ बताता हूँ। पूजा आई लव यू। पूजा तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मतलब अभी नहीं, नॉट राइट नाउ, लेकिन 1-2 साल में। एंड यू विल बी ग्लैड टू नो पूजा कि मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, असिस्टेंट एडिटर न्यू इंडिया टाइम्स, गुड सैलरी, रहने का कंपनी का घर एंड अ ग्रेट फ्यूचर। और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे लिए। नहीं। What do you mean, पूजा? मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार, लव, निखिल ये शब्द हमारे घर में श्राप है। मेरे बाप ने शब्द का प्रयोग करके मेरी मां को बर्बाद किया था। निखिल आई लाइक यू, लेकिन प्यार शादी? पूजा मेरा प्यार सच्चा है। निखिल मेरे नाना नानी मेरे सब कुछ हैं, वो जो कहेंगे मैं वही करूंगी। उन्होंने अमेरिका में एक लड़का देखा है, मैं उसी से शादी करूंगी। निखिल आई एम सॉरी। मेरी आंख में कुछ हो गया, समथिंग इज गॉन टू माई आईज। मैं अभी आता हूं, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। यस। वो लड़का जब लौटा है तो उसे कह देना कि मैं जल्दी में थी। ओके। सुनिए, किसे मिले हैं आपको? जी किसी से नहीं। किसे देखा था तुमने? ताराबाई? क्या हुआ बड़ी मम्मी? ये क्या? पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। शायद कहना चाहती है किसी ने धक्का मारकर आटा गिरा दिया। यही है ना ताराबाई? हाँ। तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता भी देता तो तुम क्या कर लेती? हम पूजा को लेके कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं, कल ही चलते हैं। और पूजा को क्या बताएंगे? अब वो बच्ची नहीं है। अपने घर से चोरों की तरह बहुत भाग लिए हम, तब की बात और थी, वो छोटी थी। तो फिर अब करें क्या? पहले फोन कॉल्स, फिर घर के बाहर, अब आगे क्या करेगा वो? जानकी तुम परेशान मत हो, अब वो कुछ करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मैंने सब बंदोबस्त कर रखा है।
ध्यान की, जाओ तुम सो जाओ, कुछ हुआ तो हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे जाओ ना, हम तुम्हें बुला लेंगे। हाँ भाई जल्दी आओ, और जब तक हो सके उससे बातें करो। हेलो हेलो, पूजा कहाँ है? मैं पूजा से बात करना चाहता हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। बात करो। हाँ बुला लेते, मगर है कौन तुम? पहले बताओ कौन बात कर रहा है? तुम जानती हो मैं कौन बोल रहा हूँ? तुमने मुझे देखा है, अब बहाने मत बनाओ और पूजा को बुलाओ जल्दी। सारा गड़बड़ कर दिया ना तुमने, अब हमें कैसे पता चलेगा कि फोन कहां से आया था? ये वही है, मैं जानती हूं, ये वही है। हेलो हेलो, यस यस यस, आर यू श्योर? थैंक यू वेरी मच। पता चला? जी हाँ सर, टेलीफोन ऑपरेटर का कहना है कि फोन होटल स्काईलार्क जूस है। गुड, कम लेट्स गो। यस सर। नाना जी क्या हो रहा है? कुछ नहीं मेरी बच्ची, हमने उस आदमी का पता लगा लिया है जो तुम्हें फोन करता है। तुम अपनी नानी का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, चलो। आ गए वापस हमें फिर से तंग करने के लिए? अभी जो कुछ हुआ है वो कुछ भी नहीं, अब अगर तुम मेरी बच्ची के पास फटके या घर के पास नजर भी आए तो मैं तुम्हें जान से खत्म करवा दूंगा, समझे? बोलो आओगे फिर पूजा से मिलने? हाँ। सर सर सुनिए सर, मैं सर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। क्या करें सर? सर लोग इकट्ठे हैं सर, मैं तुम्हें सिंगल नहीं छोड़ूंगा। सर रेशम भैया अभी मैं सुबह देख रही हूं, मैं सिंगल नहीं छोड़ूंगा प्लीज सर। हराम को सर, अब बात सुनिए, क्या समझते हैं अपने आप को? ओके ऑस्कर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सो गई? अभी आग लगी है। क्या हुआ, कुछ पता चला? कौन था वो? एक शराबी था, बाकी पता कल चलेगा। क्या किया उसके साथ? करते क्या, हमने हमसे पुलिस के हवाले कर दिया। नाना जी आप लोगों ने राय को पहाड़ बना दिया है। वही था? हाँ वही था। अब क्या होगा? हमने उसे धमकाया है, लगता है थोड़े दिन चुप रहेगा। तुम जानते हो वो धमकियों से नहीं डरता। जानता हूं, कल टंडन लोग भी आ रहे हैं, जब तक शादी नहीं तय होती वो यहीं रहेंगे। बस 20 मिनट में पहुंचने वाले हैं आपके पास। यस यस सर, ओके यस यस, श्योर श्योर सर। अब मैं इन औरतों का क्या करूं, कैसे समझाऊं कि हम लेट हो गए हैं? 10 बार कह चुका हूं कि हमें 7 बजे पहुंचना है। पूजा, जानकी, चलो भाई देर हो रही है। देर होने का दोष मुझे मत देना नाना जी, 4 बार बड़ी मम्मी मुझे कपड़े बदलवा चुकी है, कभी कहती ये पहनो कभी कहती है वो पहनो। मैंने बस कहा है कि साड़ी पहनो। नाना जी इन्हें यहां से ले जाइए प्लीज। जानकी चलो, हमें देर हो रही है। पूजा बेटी तुम पीछे दूसरी कार से आ जाना, रूम नंबर 1607 एम्प्रेस होटल। आओ भाई इस वक्त वो अकेली कैसे? चलो ना चलो। वो आप भी कमाल करते हैं सच्ची, इस वक्त वो अकेली कैसे आएगी? मतलब अकेली? कार में आएगी ड्राइवर के साथ, फिजूल में मत घबराया करो। ऑस्कर। यस सर। कम ऑन लेट्स गो। या
चलो। गोविंद पूजा बेटी को ले गया। अरे ठहर जा ठहर जा। कहाँ जा रही हो तुम पूजा? पूजा इतना क्या कर रहे हो तुम? इतना सच रच के तुम कहाँ जा रही हो पूजा? इतने छोड़ो मैं मुझे। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। प्लीज पूजा आई लव यू। निखिल लीव मी अलोन। यू कांट डू दिस टू मी पूजा। यू नो आई लव यू। स्टॉप इट। आई लव यू पूजा। हम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे मार दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने उसे छुआ कैसे? तुमने पूजा को हाथ कैसे लगाया? जल्दी आओ। छोड़ूंगा को पकड़ो। जाऊंगा मैं तो छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे उसे छुड़ेगी? मैं नहीं छोड़ूंगा। तारा भाई, तारा भाई, तारा भाई, क्या हुआ तारा भाई? देखो तारा भाई क्या हुआ? नहीं नहीं मत मारो, मत मारो। मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं 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 नहीं, पुलिस को बुलाओ, साहब को बुलाओ, साहब को बुलाओ, साहब को बुलाओ, मत मारो, मत मारो, मत मारो। ड्यूटी से गायब रहता है? रहने दीजिए सर, आप जरा। चौकीदार को निकाल बाहर करो फौरन, अभी इसी वक्त। लेकिन सर वो गरीब आदमी है बेचारा। सुना नहीं तुमने? मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है, घर में घुसाने के इल्जाम में। अब वो सड़ेगा हवालात में, देखता हूं कौन जाता है उसकी जमानत देने और छुड़ा कर लाता है। पुलिस? लेकिन आपने तो कल उसे पुलिस के हवाले किया था ना? किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। नाना जी, कौन है ये आदमी, क्या चाहता है? मैं क्या जानू कौन है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उसने तुम पर हमला किया और मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नाना जी, उसने मुझ पर हमला नहीं किया। बड़ी मम्मी, उसने मुझे बचाया था। जब वो निखिल को मार रहा था तो बार बार एक ही बात कहता था, तेरी हिम्मत कैसी उसे छूने की, मैं तुझे जान से मार दूंगा। कौन है आदमी बड़ी मम्मी? नाना जी, कौन है आदमी? नाना जी, आप मेरी कसम खा के कहिए कि आपने आदमी को पहले कभी नहीं देखा। नाना जी, नाना जी, वो तेरा बाप है बेटी। जानकी, 17 साल से हमने ये दर्द भरा राज छिपाए रखा। आज हम चैन की सांस ले सकेंगे। मत रो जानकी, मत रो। Thank you.
पूजा तुम चलो मेरे साथ। मगर कहां? बिना कोई सवाल पूछे तो मेरे साथ आ सकते हो या नहीं? एक मिनट। निखिल सेन, असिस्टेंट एडिटर न्यू इंडिया टाइम्स, और ये हैं पूजा, श्री कांत प्रसाद जी की नवासी। कैन आई हेल्प यू? मैं जमानत देने आई हूं उस आदमी की। लेकिन उसने आप पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझ पर हमला नहीं किया। मगर आपके नाना का कहना है कि उसने? भूल जाइए वो क्या कहते हैं, मैं कहती हूँ कुछ नहीं हुआ। कैसे जाने देंगे आप इन्हें? नॉर्मली तो हम किसी रिश्तेदार की ही जमानत कबूल करते हैं। अगर आप इनके किसी रिश्तेदार को जमानत देने पर राजी कर दें तो हम इन्हें छोड़ देंगे। मैं रिश्तेदार हूं इनकी। क्या लगता है ये आपका? ये आदमी मेरा बाप है। वेरी मच मेरी बेटी। मिस्टर आनंद सरीन, फिर कभी मुझे अपनी बेटी मत कहना। 17 साल में पहली बार एक अजनबी मुझे मिलता है और कहता है तुम मेरी बेटी हो। इससे पहले तुम कहां थे? पहली मेरी याद नहीं आई? क्यों, मैं मर चुकी थी? तुम मर चुके थे, अचानक कहां से जिंदा हो गए? मैं अपने अंदर झांकती हूं तो कोई ऐसी भावना नहीं पाती कि तुम्हें अपना बाप कहूं। क्या अधिकार है तुमको मेरी जिंदगी में इस तरह आने का, उसे बर्बाद करने का? क्या लगती हो तुम मेरे? तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते। फिर कभी मेरे पास मत आना, अपनी सूरत भी नहीं दिखाना। कम ऑन, लेट्स गो। निखिल चलो। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, ये भी कोई तरीका है? शराब। क्या? ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। पूजा, खबरदार जो फिर ऐसी हरकत की। क्या? तुम जानती हो बनने की जरूरत नहीं। क्या किया है इसने? पुलिस स्टेशन गई थी अपने दोस्त निखिल के साथ और उस कुत्ते आनंद को जमानत पर छुड़ा लाई। पुलिस ऑफिसर से कहती है मैं झूठा हूं, उसके खिलाफ सारे इल्जाम झूठे हैं। सारी दुनिया के सामने अपने नाना को झूठा कहते शर्म नहीं आई? आप झूठे हैं, आप सब के सब झूठे हैं। तीनों में से 17 साल तक झूठ बोलते रहे मेरे बाप के बारे में कि वो मर चुका है। आप सब ने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, झूठ। कह दो उससे कि मेरे घर में ड्रामा नहीं चलेगा। उसे बताओ कि उसकी मां के हाथों हमने बहुत दुख उठाए हैं और खबरदार कर दो कि वो फिर उस बदमाश से न मिले। पूजा लो बेटी, खाना इस तरह अधूरा नहीं छोड़ते। लो, मुझे बच्चा समझना बंद करो। मैंने कह दिया ना मैं नहीं खाऊंगी, समझ में आया? नहीं समझ में आया बेटी, नहीं समझ में आया। बच्चों जैसी बातें करोगी और कहोगी कि मुझे बड़ा समझो। तुम कहती हो कि हमने तुमसे सच क्यों छुपा के रखा, जब सच बता दिया तो देखा अपना सलूक। हालात का सामना करना सीखो बेटी, हम में से हर एक को अपने हिस्से की पीड़ा भोगनी है।
जिंदगी किसी को नहीं छोड़ती बेटी, किसी को भी नहीं। देखा अपने बाप का हाल क्या हो गया है, तुम नहीं जानती बेटी क्या था वो और अब क्या हो गया है वो। तो बताओ क्या था मेरा बाप, वो कौन था, मेरी मां कैसी थी, क्या हुआ था, क्या सचमुच मेरा बाप इतना बुरा आदमी है? क्या अच्छा क्या बुरा, मैं क्या जानूं बेटी इन शब्दों का अर्थ क्या है। जब तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगी तुम भी लोगों को जांचना बंद कर दोगी। लोग वो क्यों करते हैं जो वो करते हैं, कुछ भी बाकी क्यों नहीं रहता, ये ऐसे सवाल है बेटी जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। पर अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच्चाई बता दी जाए। ये क्या है? सच्चाई। तुम्हारी मां की नजर से जो उसने देखा भोगा, ये डायरी तुम्हारी मां मुझे सौंप गई थी और मैंने बहुत संभाल के रखा था बेटी इसे। लो बेटी तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें है। लो। September 27, 1971. जब तक रहूंगी ये बात नहीं भूल पाऊंगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी आनंद से मुलाकात इस हालत में होगी। आनंद साहब, बीना जी ने कहा कि गाड़ी यहीं छोड़ जाइएगा क्योंकि पार्टी में काफी वक्त लगेगा, और हाँ ये भी कहा है कि आप खाना कहीं बाहर खा लीजिएगा क्योंकि घर पे खाना बना नहीं। अच्छा ठीक है जाओ। यस मैम। प्लीज कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ? क्यों चाहती हैं आप मेरा ऑटोग्राफ? आप महान कलाकार हैं, बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े आदमी, इसलिए। मैम कोई महान कलाकार नहीं होता, हम खामखा अपने आप को छोटा करके उन्हें बड़ा कर देते हैं। प्लीज आप सोच ही नहीं सकते मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ, आपने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। पहले आप ये बताइए कि क्या प्रभाव डाला है मैंने आपके जीवन पर। कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ी, बहुत बीमार। आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। मेरे माँ बाप मुझे बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर गए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि आत्महत्या की सोचने लगी। फिर एक दिन न जाने कहां से मैंने आपका एक गीत सुना। आपकी आवाज ने मुझ पर जादू का काम किया, आपके गीतों से मुझे दोबारा जीवन मिला। तब से मैं आपको मिलने के लिए तड़प रही थी। मेरी खुशकिस्मती मैंने आपको यहां देखा। बहुत ईमानदार औरत हैं आप। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, आई थिंक यू गिव मी योर ऑटोग्राफ फर्स्ट। व्हाई? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस दुनिया में इतनी ईमानदारी से किसी की तारीफ कर सकते हैं। ये पेज फाड़ लूं मैं? प्लीज। अब आप अपना नाम यहां लिख दें। मेरा नाम आनंद सरीन है। ग्रेट। कहां जा रही हैं आप? घर। कैसे? टैक्सी से। आप बुरा ना माने तो मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दूं? जी। बुरा आदमी नहीं हूं, घबराइए नहीं। कितना अजीब है, एक ही मुलाकात में लोगों की जिंदगानियां एक दूसरे से उलझ जाती हैं। उस रात जब मैं उसके संग चल रही थी तो मैं जानती थी मुझे इस अजीब शरीफ आदमी से बार बार मिलना है। लगता है जैसे मैं एक सपना देख रही हूं, एक सुख का सपना जिसमें दुख का नामो निशान ही नहीं है। हां वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन था। कभी ख्वाब में या ख्याल में, कभी ख्वाब में या ख्याल
कभी ख्वाब में या ख्याल में। कब से चल रहा है यह तो पता नहीं कब से चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता काफी अरसा हो गया है। पता नहीं ये सब तुम्हें बताना चाहिए था या नहीं। ठीक है, गाड़ी की चाबी किधर है? शो से कब लौटोगे? मैं कब जाऊं और कब आऊं, इसमें तुम्हें कब से दिलचस्पी होने लगी? जब से तुमने उस बदजात औरत से छुप छुप के मिलना शुरू किया है। खबरदार जो प्रिया को गाली दी तो। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। एक्सक्यूज मी। वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। और अब जब आपने खुलेआम अपने इश्क का इश्तेहार छापना शुरू कर दिया है, तो आप मुझे अपनी बीवी को बताएंगे कि आपकी स्कीम में मैं कहां फिट होती हूं, आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? देखो बीना, हमारी शादी नाकाम हो चुकी है। शादी के एक महीने बाद से हम लोग अलग अलग रहे हैं, एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, जरूरत है तो मेरी जायदाद की, मेरे पैसों की। ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे आजाद कर दो, क्योंकि मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। एक लड़की ने जरा सी तारीफ कर दी हाँ, और तुम सब कुछ घर बीवी छोड़कर उसके पीछे चल पड़े कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए, और उस औरत की कुर्बानियों को इतनी आसानी से भूल गए जिसने उस वक्त तुम्हारा साथ दिया था जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। कुर्बानियां? अगर तुमने कुर्बानियां दी तो सिर्फ अपने लिए, क्योंकि तुम एक मशहूर आदमी की बीवी बनना चाहती थी, मशहूर आदमी की बीवी कहलाना चाहती थी। हाँ, और अब भी कहलाना चाहती हूँ, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं। मुझे तो मुझे रत्ती भरी परवाह नहीं है। रत्ती भरी परवाह नहीं। तुम्हारे क्या संबंध है? क्या संबंध है? मारो मुझे, मारो। एक बात याद रखो, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। मिसेज आनंद शरीफ सिर्फ एक औरत रहेगी, और वो मैं हूँ, समझे? मैं हूँ मैं। चले सर, क्या बात है सर, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने बीना जी को कुछ नहीं बताया, बात यह उन्हें पता चल गया। कसम से सर, मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। सच सर, विश्वासघात करने के लिए तुम्हें पहले मेरा बनना पड़ेगा। तुम मेरे कभी थे ही नहीं, तो विश्वासघात क्या करते? चलो। हाय। हेलो प्रिया। ये है तारा भाई। नमस्ते। आइए। प्रिया, मैं आनंद से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूं। बैठिए आनंद। थैंक यू। बड़ी अजीब जिंदगी है आपकी आनंद साहब। जी मैं समझा नहीं। समझाता हूं, मेरे सामने आपकी जिंदगी का खुलासा है, बायोडेटा। मुझे मंगवाना पड़ा, हमारी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल जो ठहरा। तो ये सब पढ़ने के बाद क्या फैसला है आपका? 1964 में आप जेल गए थे चोरी के इल्जाम में, यहां लिखा है। वो
वो हुआ यूं था कि उन दिनों मुझे संगीत का नया नया शौक था और ये शौक एक जुनून बन गया था। पैसे मेरे पास थे नहीं, मैं उन दिनों सिनेमा के पोस्टर्स पेंट करता था। एक दिन मैं थोड़ा नशे में था तो मैंने एक म्यूजिक शॉप में बहुत खूबसूरत हारमोनियम देखा। रात का वक्त था, मैंने शो विंडो तोड़कर वो हारमोनियम चुरा लिया। लेकिन जब सुबह मेरा नशा उतरा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वो हारमोनियम वापस करता, उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ओ वेरी इंटरेस्टिंग। आप सही मायनों में कलाकार हैं जो अपने जुनून को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि चोरी भी। तो 1964 की कहानी अब फिर दोहराई जा रही है। आपको मेरी बेटी से पागलपन की हद तक इश्क हो गया है और उसे हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना? जी हां, मैं उसे प्यार करता हूं। प्यार, लव, ओ माय गॉड। ये बातें करके तुम मेरी बेटी को फंसा सकते हो, मुझे नहीं। जी नहीं मैम। देखिए आनंद साहब, प्रिया इमोशनल लड़की है और आप उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं उसे शादी करना चाहता हूं। शादी तुम कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो शादी जबकि तुम पहले ही शादीशुदा हो? जी मैं तलाक ले रहा हूं। और जब तक तलाक नहीं मिल जाता मेरी बेटी तुम्हारी रखेल बनकर रहेगी। नहीं सर। सुनो आनंद, हमें भरोसा नहीं कि तुम हमारी बेटी से शादी करोगे, इसलिए पहले अपनी बीवी से तलाक लेकर आओ और जब तक तलाक नहीं मिल जाता तुम प्रिया से नहीं मिल सकते। जी ठीक है। नहीं आनंद, क्या कह रहे हो आनंद? नहीं प्रिया, तुम अंदर जाओ। नहीं पिताजी। नहीं प्रिया, तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, इस तरह मेरे इरादों की सच्चाई भी साबित हो जाएगी। थैंक यू। आनंद तुम जाते हो तो जाओ, लेकिन इतना बता दो कि अगर पीछे तुम्हारे ये फोन बजते रहे, लोग मुझसे पूछे कि तुम कहां हो, तो क्या बताऊं उन्हें? सच सच कह देना कि अब मैं यहां नहीं रहता और फिर जिन्हें मुझे ढूंढना होगा वो खुद ही ढूंढ लेंगे। हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू आनंद प्लीज? मैं प्रिया बोल रही हूं। प्रिया जी, मेरे हस्बैंड अभी अभी अपना सामान पैक करके निकल रहे हैं आपके यहाँ आने के लिए, अपनी रखेल के यहाँ। वैसे कैसा लगता है रखेल बन के रहना? बीवी बन के रहना तो आपके नसीब में है नहीं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ऐश करने की आजादी तो दे सकती हूँ लेकिन मुक्ति नहीं। मैं आनंद सरीन को डाइवोर्स नहीं दूंगी। तुम यहाँ तक? हाँ हाँ, मैंने जो बोलना था बोल दिया, अब तुम दोनों मिलके ड्यूएट गाओ। हेलो प्रिया, तुम्हें मुझे यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। हमने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था कि जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता हम लोग नहीं मिलेंगे। मजबूरी ऐसी है, फोन करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है प्रिया? आनंद, आई एम प्रेग्नेंट, मैं तुम्हारे बच्चे से हूँ। अब क्या होगा? मैं क्या जानू। Put the phone down. No. फोन नीचे रखो। नहीं प्रिया, अपने पिताजी की बात मानो, फोन नीचे रख दो। भाई said, put the phone down. ये पाप है कामता प्रसाद जी, महापाप। मैं आपको ये कभी नहीं करने दूंगा। आप प्रिया की मर्जी के बगैर उसका अबॉर्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को बिन ब्याहे मां बनने दूं? समाज में जो इज्जत, जो पोजिशन मैंने हासिल की है वो तुम दोनों के इश्क की वजह से मिट्टी में मिला दूं? बोलो। मैं मानता हूं हम दोनों से भूल हुई, बहुत बड़ी भूल। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, मगर उस मासूम को जिसका कोई दोष नहीं है जन्म लेने से पहले मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। प्रिया मां नहीं बन सकती, चाहे जो भी हो। निकल जाओ यहां से। किसी का जीना मरना आपके हाथ में नहीं है कांता प्रसाद जी। मैं भी देखता हूं कौन छूता है प्रिया और मेरे होने वाले बच्चे को। निकल जाओ यहां से। हां जा रहा हूं। गेट आउट।
उस दिन आनंद के कहने पर मैं घर छोड़कर उसके साथ भाग निकली और हम दोनों कर ही क्या सकते थे। पिताजी ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था। अगर आनंद मेरा साथ नहीं देता तो न जाने क्या हो जाता। यूं लगता है जैसे मैं किसी काली सुरंग से निकल कर आ गई हूं, जैसे किसी भयानक सपने का अंत हुआ है। हम अपने इस छोटे से फ्लैट में इकट्ठे हैं। हालत मामूल पर आ गई है। आनंद का काम ठीक नहीं चल रहा है। आज तुम टांगे मार मार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हो। तुम्हारे डैडी नाश्ता बना रहे हैं। कहते हैं मुझे आराम की जरूरत है। किचन में उनकी हालत देखने वाली है। तुम्हारे डैडी कुछ बातों में बिल्कुल बच्चे हैं। सोचती हूं तुम आ जाओगे तो मैं क्या करूंगी, कैसे संभालूंगी एक साथ दो बच्चे। मेरे बच्चे, मुझे कुछ हो जाए तो अपने डैडी का ख्याल रखना। अंदर आओ। दिन की शुरुआत शराब से होती है। हाँ, सुबह उठ के शराब पीता हूं, इसके बगैर रहा भी नहीं जाता। अंदर आओ। बिल्कुल एक अपाहिज की तरह। बैसाखियों से नफरत भी करते हो और उनके बिना चल भी नहीं सकते। सहारा मिल जाए तो मैं बैसाखियां फेंक भी सकता हूं। मैंने हाल ही में मां की डायरी पढ़ी। उनकी राय में तुम बहुत महान हो। लेकिन नाना जी का कहना है कि उनका दोष नहीं है। उनका दोष नहीं है पूजा। उन्होंने मेरे और प्रिया के हाथों बहुत दुख उठाए हैं। जब मैं कोर्ट में तुम्हें उनके पास हार गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं कि जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। मैं शायद तुम्हारी इतनी अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकता था। मिस्टर आनंद सरीन, मुझे आपका कर्ज चुकाना है। बेटी होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते। आपने मेरी जान बचाई थी ना, अब मेरी बारी है। और फिर मेरी मां ने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। बस मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओ मुझे अपनी नाना जी के पास ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं। मुझे वो दिन याद आ रहा है बेटी, जब तुम्हारी मां तुम्हारी तरह यहां खड़ी थी और तुम्हारे बाप के आने की राह देख रही थी। पूजा बेटी, तुम्हारे नाना जी को आनंद से अचानक मिलना अच्छा नहीं लगेगा। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती कि आनंद आ रहा है? Thank you.
पूजा, ये क्या हो रहा है यहां? क्या छुपाया जा रहा है? कौन आ रहा है? आप अभी जान जाएंगे नाना जी। अब समझ में आया, मेरी पीठ पीछे मेरे ही घर में मेरे अपने क्या कर रहे हैं। तुम इस आदमी से छिप छिप कर मिलती रही हो, बोलो अब और क्या कहना है? मैंने आपसे मिलने के लिए लाई हूं, ये आपको बताएंगे इन्हें क्या चाहिए। पूजा, इस आदमी के बारे में अचानक अपनी राय बदलने का कारण जान सकता हूं? क्योंकि मैंने जान लिया है कि ये वैसा शैतान नहीं जैसा आपने और बड़ी मम्मी ने इसे बना रखा है। दूसरे लफ्जों में तुम हम पर ये इल्जाम लगा रही हो कि हमने जानबूझकर तुझे अपने पिताजी के खिलाफ भड़काया है। हाँ, आपने ऐसा किया है। पूजा, जानकी तुम चुप हो जाओ, बैठ जाओ। ओहो, मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। हाँ तो पूजा, तुमने जो कहना था मैंने सुन लिया, अब तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। मैं अपने कमरे में हूं। मुबारक हो आनंद, आओ। अरे भाई, आओ, वहां खड़े क्यों हो? बैठो। दिलों को जीतना कोई इनसे सीखे, क्या कमाल किया है। हमने अपनी बच्ची को इतने दिनों में जो कुछ दिया वो इन्होंने एक ही झटके में मिटा दिया। हमारी बेटी प्रिया की जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब ये आए हैं हमारी बच्ची पूजा को उजाड़ने। गुड, वेरी गुड। खैर, अपने मुंह से कहो अब क्या चाहते हो। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी बेटी को इतनी अच्छी तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। हैं? क्या कहा, जरा ऊंचा बोलोगे? जी, मैं कह रहा था कि, और ये शुक्रिया वुक्रिया रहने दो, मतलब की बात करो। जी, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं। मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन उसके सहारे गुजारना चाहता हूं। और उसकी देखभाल कैसे करोगे, उसको खिलाओगे कहां से? पहले तो तुम एक सिंगर थे, अब क्या करते हो? सच पूछिए तो अभी तो कुछ भी नहीं करता, मगर मैं दोबारा गाना शुरू करना चाहता हूं। थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो मैंने जो कुछ खोया है मैं दोबारा पा सकता हूं। और जब तक तुम वो पा नहीं लेते हम क्या करें? अपना काम, अपनी जिंदगी ठप करके एक शराबी की वापसी की दुआएं मांगे? क्यों, पिछली बार तुमने शराब कब पी थी? 2 दिन पहले। झूठ मत बोलो आनंद, अब भी तुम्हारे मुंह से घटिया शराब की बू आ रही है। कब पी थी शराब? जी, मैंने झूठ कहा था, यहां आने से थोड़ी देर पहले पी थी। वो क्या था कि मैं यहां आने के लिए और आपसे बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहा था। कौन सी शराब पी थी? कंट्री? इस घर के नौकर चाकर भी इससे अच्छी शराब पीते हैं। तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी बच्ची को एक शराबी भिखारी के हवाले कर दूं? जी, मैं उसका बाप हूं, मेरे कुछ अधिकार हैं। खबरदार जो अधिकारों की बात की, तुम चुप रहो जानकी। पूजा अभी 18 साल की नहीं हुई, जानते हो उसे भड़काने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं?
हमारी अच्छाइयों का नाजायज फायदा मत उठाओ आनंद। मुझे डराने की कोशिश मत करिए कामता प्रसाद जी, आप मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, आजमा कर देख लो। मेरी बात सुनो आनंद, तुम्हारी और उसकी भलाई इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ, निकल जाओ उसकी जिंदगी से। तुम्हारे बिना वो मजे में थी, मान जाओ तो ठीक है, वरना 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 मैं उसे बता दूंगा कि तुम उसकी मां के कातिल हो, तुम उसकी मां के कातिल हो। तुम चाहते हो कि मैं पूजा को बता दूं कि उसका बाप, जिसे वो अचानक बेपनाह प्यार करने लगी है, ये खूनी है, उसकी मां का खूनी? गिरना चाहोगे उसकी नजर में? बोलो आनंद, बोलो क्या चाहते हो, बता दूं उसे? नहीं। तो फिर निकल जाओ यहां से और मुझे वचन दो कि फिर कभी नहीं आओगे इससे मिलने। चले जाओ यहां से। क्या हुआ नाना जी, वो अचानक इस तरह चले क्यों गए? उसके जैसे लोग ऐसा ही करते हैं, जब सर पर जिम्मेदारी उठाने का वक्त आता है तो खिसक जाते हैं। उसका कहना है कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि... उसने जो कहा वो हवाई बातें थीं, तुम्हें खुश करने के लिए, वो तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं। उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, कहा। मैं नहीं मानती, नहीं मानती मैं। तो मत मानो, फूल योरसेल्फ। जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, वफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, उम्र नाम तुम्हें सड़कों पे गवाई। Just
आर्टिकल का डिजाइन बन गया है राइट अरे निखिल और आप इसे बाय एनी चांस तुम्हारे फोटो फाइल में पुराने स्टार सिंगर आनंद सरीन की फोटो होगी क्यों भाई आनंद सरीन के फोटो की तुमको क्या जरूरत पड़ गई अरे पुराने सिंगरों की फोटो की जरूरत कब पड़ती है अभी अभी खबर मिली है वो मरने वाला है बचने की कोई उम्मीद नहीं केस ऑफ सुसाइड एडिटर साहब ने कहा है कि ऑबिचुअरी रेडी रखो पूजा पूजा क्या हुआ तुम्हारा बाप मुसीबत में है बेटे निखिल तुमसे बात करना चाहता है हेलो 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 पूजा क्या हुआ निखिल पूजा पूछ सकता हूं इतनी रात गए कहां जा रही हो हॉस्पिटल क्यों मैंने पूछा है क्यों क्योंकि मेरा बाप वहां मर रहा है पूजा 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 अब कैसे हैं अभी तक होश नहीं आया खून बहुत बह गया है इंटरनल हेमरेज मैंने कुछ खून दिया है कुछ और लोगों को भी बुलाया सेम ब्लड ग्रुप के आते ही होंगे बैठो निखिल अगर टूटते हुए सितारे से मुराद मांगी जाए तो वो पूरी होती है सुना तो है पूजा क्यों तुमने देखा है टूटता सितारा हां आते वक्त देखा था जानती हो मैंने क्या मांगा तुमने अपने डैडी की जिंदगी मांगी है ना हाँ हिम्मत रखो पूजा ही'ल बी ऑल राइट कम ऑन ही'ल बी ऑल राइट तुम नाकाम हो गए आनंद सरीन एक बार फिर नाकाम बहुत अफसोस हुआ ना तुम जीने में नाकाम हो और अब मरने में भी नाकाम रहे अब क्या करोगे तुम एक बात बताओ आत्महत्या करके तुम किसे सजा दे रहे थे मुझे मेरे घर वालों को दुनिया को या अपने आप को पूजा हाँ तुम जानते हो तुम्हारे मर जाने से भरी दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता और पड़े भी क्यों तुम किसी के काम आते हो नहीं किसी के नहीं एक बात बता दूं मिस्टर आनंद सरीन
अगर तू बच जाते ना तो एक आदमी भी तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाता। मैं भी नहीं। तुम सचमुच बनना चाहते हो? झूठ झूठ बोलती हो तुम। तुम्हें हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो जाओ। कंट्रोल योरसेल्फ। जाओ जाइए मरो। टेक इट इजी। लीव मी आनंद सरीन। तुमने अपने आप को बहुत जलील किया है और मुझे भी। मैं तुमसे एक चीज मांगू, दोगे मुझे? क्या तुम मुझे एक ऐसा पल दोगे जो मैं शान से कह सकूं कि मैं तुम्हारी बेटी हूं? एक ऐसा पल जहां मुझे आनंद सरीन की बेटी कहलाने में शर्म न आए? क्योंकि अधिकार सिर्फ मां बाप का नहीं कि वो अपने बच्चे पर मान कर सके। इट इज ऑल्सो द राइट ऑफ द चाइल्ड टू बी प्राउड ऑफ इट्स पेरेंट। क्या तुम मुझे एक ऐसा पल दे सकते हो? एक ऐसी खुशी दे सकते हो? मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। सर ये एग्रीमेंट आ गया, आप देख लीजिए। पूजा बेटी यहां आओ। आ जाओ मेरी बच्ची, डरो नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा आपकी बार। आओ आ जाओ। आओ तुम्हारे बाप के बारे में बात करनी है। सुना है तुम खंडाला जा रही हो? जी। कितने दिन के लिए? कुछ घंटों के लिए। वहां एक नर्सिंग होम है जहां लोगों की शराब छुड़वाई जाती है, उन्हें वहां एडमिट कराना है बस। इस इलाज का खर्चा कौन उठा रहा है? मैं। मैंने कुछ पैसे बचाए हैं मॉडलिंग से। इसे वो ठीक हो जाएगा? हाँ मुझे पूरा भरोसा है। मुझे नहीं लगता बेटी, वो आदमी शराब छोड़ ही नहीं सकता। अच्छा बड़ी मम्मी मैं चलती हूँ। मत जा बेटी, मत जा। तुम जानती हो कितना सुनहरा भविष्य है तुम्हारे सामने अगर तुम शादी करके अमेरिका चली जाओ। पर टंडन कब से रुके हुए हैं सिर्फ तुम्हारे खातिर। वो और कितना इंतजार करेंगे बेटा? कह दीजिए उन्हें जाने को, मैं अब शादी नहीं करूंगी। क्यों बताओ क्यों? मेरे बाप को दोबारा खड़ा करना, उन्हें समाज में उनका मकाम दिलाना ही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं। पूजा बेटा मत करो ऐसा सब कुछ। अगर तुम मुझे सच्ची प्यार करती हो तो तुम ऐसा नहीं करोगी। बड़ी मम्मी अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो जो मैं कर रही हूं वो मुझे करने दीजिए प्लीज। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूं। कहो। पूजा बेबी जो करना चाहती है उसे करने दीजिए। थोड़े ही दिनों में वो खुद समझ जाएगी कि आनंद जैसे शराबी को सुधारना उसके बस की बात नहीं है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सर, आनंद अपना दुश्मन खुद है। आई कैन टेल यू क्वाइट कॉन्फिडेंटली, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि एक दिन आनंद
पूजा को अपने खिलाफ कर लेगा। बाकी जो कुछ मुझे करना है वो तो मैं करूंगा सर। हाय, कुछ कर पड़े? क्या बात है? मेरे पास पैसे नहीं है। बैंक वाला कहता है चेक कल पास होगा। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, लेकिन ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरी चेकबुक ऑफिस में है पूजा। वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। चलो। मेरी क्या जरूरत है? मेरे बॉस ने मुझे देख लिया तो आने नहीं देगा। चेकबुक तुम लेती आना। ओके, हम 4 बजे तक लौट आएंगे। ठीक है। क्या बात है? कुछ नहीं। बोलिए क्या परेशानी है? मैंने आज तक पैसे की अहमियत को कभी समझा ही नहीं, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि पैसा कितना जरूरी है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा तुम्हारा इस तरह यहां वहां पैसे मांगते फिरना। मुझे नफरत हो रही है अपने अपने निकम्मेपन से और अपनी अपनी बेचारगी से। क्या हुआ? मैं अभी आया, कुछ जरूरी चीज भूल गया हूं। क्या भूल गए थे? गलती से घर में शराब की बोतल छोड़ आया था। How stupid of me. पैसे हैं उनके पास? नहीं, जो थे मैंने ले लिए। फिर तो ठीक है, अगर चाहेंगे भी तो शराब नहीं खरीद सकते। बेचारा, बड़े दुख की बात है पूजा कि हमें अपने बड़ों की देखभाल ऐसे बच्चों की तरह करनी पड़ती है। से कमीने आदमी हो तुम। जी? हेलो, शराब नाली के कीड़े, तुम्हें कुछ शर्म हाया है या नहीं? तुम और कितना नीचे गिरोगे? अब अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के टुकड़ों पर पड़े हो? तुम उसकी शादी नहीं होने दोगे ताकि तुम उसकी कमाई पर ऐश कर सको। सुनो, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने यह शहर नहीं छोड़ा तो हम पूजा को बता देंगे कि तुमने इसकी मां का क्या हाल किया था। साहब, खाली बोतल और पैसे। घर वाले बाहर गए हैं। साहब, किचन में फ्रिज के ऊपर बोतल और पैसे रखे होंगे। देखता हूं। अच्छा जी। पैसे वहां नहीं है। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं साहब, निखिल साहब भूल गए होंगे, पैसे कल ले लूंगा। रम देना प्लीज। बैठिए। कैसे हो बादल? ठीक हूं।
अरे साहब आप वो सॉरी साहब वो 15 साल पहले कोई बोला कि आप कोई बात नहीं अच्छा हो तुमने मुझे पहचाना तो सही अरे साहब आपको नहीं पहचानता साहब आज मैं जो कुछ भी हूं आप ही की बदौलत हूं साहब साहब आपने मुझे पैसा दिया था ना मैंने उससे ये बाग खरीदा साहब हाँ हाँ बताओ एक ड्रिंक मुफ्त में दोगे अरे क्यों साहब जितनी जी चाहे उतनी पीजिए साहब सारी बार आपकी है साहब ओए पटेल चुप की कमेटी ला रखी है तू यार ओ भाई साहब ओए एडे वडे सिंगर दा गाना चल रहा हैगा ओ रैम करो यार बंद करो अपनी कॉन्फ्रेंस आजी ओए मुंह ते ताला रखो यार कौन है ये बादल साहब बहुत पैसे वाला आदमी है पहले चाट बेचा करता था साहब आजकल तो बिल्डिंगों का मालिक है मालूम आपको यहाँ क्यों आता है नहीं क्यों आपके पुराने गाने सुनने के लिए आपका बहुत भक्त है साहब सारा दिन आपके गाने सुनता रहता है ओए ओए बदल ओए एक बार होर ला दे यार रिकॉर्ड दोबारा ला रहे ओ सुन एक ड्रिंक इथे यार छोटा एना हां मैं अभी आया था ख्वाब में या ख्याल में कभी जिन क्यों इतने अच्छे गाने का सत्यानाश कर रहे हो वो भी साहब के सामने ओए बदल बच्चे तेरे को संगीत के बारे में क्या जानकारी मुझे संगीत के बारे में कुछ नहीं पता मेरे साहब को तो पता है ना उनसे पूछ लो किनसे पूछ लो ओए क्यों पूछूं मैं ओए वो होता कौन है मेरे को बताने वाला है ओए वो कोई आनंद सरीन है जो है जी हाँ आनंद सरीन खड़े हैं आपके सामने और आप उन्हीं का गाना गा रहे हैं और वो भी इस आवाज में ओए बच्चे कमेटी बन गए यार कमेटी पर ओ भाई साहब ओए ओए देखो जी आ जी ये बदल तुहानू आनंद सरीन समझ रहा है हैं जी बादल सही कह रहा है मैं ही आनंद सरीन हूँ जी ओ भाई साहब मैं अरुण सरीन पार्ट टू मैं अपने भगवान को नहीं पहचानूंगा हेलो जी जोक ऑफ द मंथ अरुण सरीन को मरे हुए 15 साल हो गए तो अरुण सरीन यहाँ किस तरह अच्छा ठीक है नहीं आप आ जाके बैठिए चलिए ओए डोंट टच मी ओए इडियट सन ऑफ ए गन ओ ठीक है ओ शर्त ला लो यार शर्त ला लो ओ अगर ये बंदा आनंद सरीन है ओ तो वो गाना गा के दिखा दे जो भी बज रहा था ना ओ जी सुना दो ओ बज रहा था ना ख्वाब में ख्याल अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है साहब गा दीजिए साहब मेरे लिए गा दीजिए साहब इसका मुंह बंद कर दीजिए साहब और सुनो अगर मेरे साहब ने गा दिया ना कल से इस बार में घुसने की जरूरत नहीं है समझे ओए गा दीजिए साहब नहीं बात और अगर इन्होंने नहीं गाया ना तो मेरे को 1 महीना मुफ्त शराब पिलानी पड़ेगी तेरे को अच्छा ठीक है चंगा जी गा दीजिए साहब मेरे लिए गा दीजिए साहब प्लीज साहब गा दीजिए साहब गा दीजिए साहब प्लीज साहब सुनाओ यार मैं फेयर चांस देता देखो ओ चल यार ओ गाओ ना चलो कभी ख्वाब कभी आदमी सही कहता है बादल आप ठीक कह रहे हैं मैं सचमुच आनंद सरीन नहीं हूं चढ़ा दो यह हार आनंद सरीन की तस्वीर पर उसे मरे वाकई कई साल हो गए बेटा
कोई पता निशान नहीं। एरिया के सभी शराबखानों का चक्कर मार के आया हूं। कहते हैं कि उन जैसा तो कोई नहीं आया। पूजा, आई थिंक अब खंडाला जाने का कोई फायदा नहीं। कहां हो सकते हैं वो? Where could he be? देखा सर, मैं ना कहता था कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आनंद खुद ही अपना दुश्मन। कहां से मिले तुम्हें? कहां से मिले पैसे? बोलो। मेरे लिए खून दिया और मैंने इसके पैसे चुरा कर शराब पी। लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर, लानत है। ये क्या हो रहा है? चलिए रूम में चलिए, सुबह बात करेंगे। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है पूजा, लेकिन तुम्हारे नाना शायद ठीक कहते हैं। तुम्हारे डैडी की वापसी अब मुमकिन नहीं। नहीं निखिल, मेरे नाना झूठे हैं और तुम भी। मेरे और उनके बीच तो सिर्फ एक बोतल है शराब की। मैं इस बोतल से हार कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। पूजा, ये वक्त है एक नौजवान लड़की के घर लौटने का। मैं तुमसे पूछ रहा हूं पूजा, दीवारों से नहीं। सड़कें खराब है इसलिए देर हो गई। तुम वाकई अपने बाप की हो पूजा, तुम्हारी मां का तुम्हें कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। तुम झूठी हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे बाप को सड़कों पर आवारा कुत्ते की तरह फिरते देखा है। शुक्र करो भगवान का कि मैंने उसे कार तले कुचल नहीं दिया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मान क्यों नहीं लेती कि उसने मेरा कहा सच कर दिखाया? पूजा, एक बात बताओ पूजा, तुम उस आदमी को बर्दाश्त कैसे कर लेती हो? ऐसे शराबी के साथ एक पल भी कैसे गुजार लेती हो? बहुत हो गया दादाजी, अब आप जवाब दीजिए। मैं आप जैसे आदमी को कैसे बर्दाश्त करती हूँ, जब मैं जानती हूँ कि आपने मुझे मेरी माँ की कोख में ही मार डालने की साजिश की थी। मेरा तो कोई दोष भी नहीं था ना। बोलिए बोलिए। क्या बकवास कर रही हो? किसने बताया तुम्हें सब कुछ? मेरी मां ने। पढ़ना चाहते हो? आपकी महानता, आपके प्यार का कच्चा चिट्ठा लिखा है। मेरा बाप तो सिर्फ शराबी है ना, अपने आप को तकलीफ देता है। आप तो इज्जत और प्यार की दुआएं देकर अपनी बेटी के बच्चे को
मुझे मारने चले थे। बोलिए नाना जी, मैं आपको कैसे बर्दाश्त करती हूँ, क्यों बर्दाश्त करती हूँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग, चाय पियेंगे आप, कॉफी? ये पी लीजिए। जहर पीने की आदत हो जाए तो अमृत भी जहर लगने लगता है ना मिस्टर आनंद सरीन। ये तुम क्या मुझको आनंद सरीन करके बुलाती हो? मेरा इतना अधिकार तो है तुम पर कि तुम मुझे पापा या डैडी कहकर बुलाओ। नहीं, आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, कोई नहीं। जब तक आप अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं करते मैं आपको आनंद सरीन ही बुलाऊंगी। पूजा, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहता जो मैं बाद में निभा ना सकूं। और सच बात तो यह है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं पीना नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए भी नहीं? मुझसे चमत्कारों की उम्मीद मत करो पूजा, चमत्कार कहानियों में होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं। नहीं साहब, नहीं, चमत्कार रोजमर्रा की जिंदगी में ही होते हैं। साहब, कल जो मेरे साथ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। साहब, आपने मुझे पैसे दिए थे कोई अच्छा सा धंधा शुरू करने के लिए, लेकिन मैंने उससे शराब का धंधा शुरू कर लिया। साहब, कल जो हादसा हुआ उससे मुझे एहसास हो गया कि इसी जहर की वजह से आपकी यह हालत हुई है। साहब, मैंने यह धंधा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। आपको याद है साहब, आपने मुझसे एक बार कहा था कि बादल, दुनिया में संगीत से बड़ा नशा कोई नहीं है। आपके लिए हारमोनियम लाया हूं, और साहब अगर करना ही है तो संगीत का नशा कीजिए साहब, पर साहब शराब छोड़ दीजिए। बादल, जिस आनंद सरीन की बात तुम कर रहे हो उसे मारे तो सालों साल हो गए, उसके अंदर दोबारा को जगाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं जगा सकती हूं उस आनंद सरीन को, ये लीजिए। ये क्या है? मां की डायरी। आप दोनों ने एक साथ जो अच्छे दिन गुजारे थे शायद वो यादें आपके अंदर कुछ जगा दे। नहीं पूजा, शायद तुम नहीं जानती कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने मुझे बुलाया सर? यह तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं सर। निखिल कंपनी ने घर दिया तुम्हारे लिए, तुम उसमें किसी किराएदार को नहीं रख सकते। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। क्या यह सच नहीं कि तुम्हारे अलावा उस घर में कोई दूसरा भी रहता है? लेकिन वो किराएदार नहीं, मेरे दोस्त के फादर हैं, उसके डैडी। जो कोई भी हो तुम उसे एक घंटे के अंदर अंदर बाहर निकालो, समझे? ओ, अच्छा, अब समझ में आया कि आप मुझ पर इस तरह पागल कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हैं सर। शट अप। यू शट अप सर। श्रीमान कामता प्रसाद ने आप पर दबाव डाला है तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि या तो मैं श्री आनंद सरीन को अपने घर से निकालूं या फिर आप मिस्टर सेठ मुझे इस नौकरी से निकालते हैं। राइट? राइट। रॉन्ग, यू आर रॉन्ग मिस्टर सेठ, क्योंकि मैं आपकी नौकरी ही छोड़ रहा हूं। ये रही, दफा हो जाओ यहां से। शट अप।
तुम भी पागल हो निखिल, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? नौकरी छोड़ दी, अब उन्हें रखने के लिए कोई जगह भी नहीं है। पहले एक पागल था, अभी दो दो को संभालना होगा। नौकरी की फिक्र मत करो पूजा, कल ही दूसरी मिल जाएगी और फ्लैट भी एक दो दिन में मिल जाएगा, इट्स नॉट सच ए प्रॉब्लम। तब तक उनका क्या करें? हाँ, कहाँ रखिए उन्हें? अरे इनका तो अपना फ्लैट है ना बॉम्बे में, जहां ये तुम्हारी मम्मी के संग रहते थे। वी कैन गो देयर। नहीं, मैं उस घर वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों, वजह क्या है? इन्हें हो क्या क्या है निखिल? उस घर में जरूर कुछ ऐसी यादें बसी हैं जो इन्हें सता रही है, शायद इसीलिए वहां ये जाना नहीं चाहते। जब यादों से पीछा छुड़ा नहीं सकते तो उसे बचने की कोशिश क्यों करें निखिल? हम यादों की सेवा है ही क्या? ओ अनंत सरीन साहब, ओ गलती हो गई जी, ओ माफ कर दो जी, ओ माफ कर दो, मैं टर्न था उस दिन जी, ओ टेरिबली सॉरी जी, है जी, हेलो जी, है जी, ओ उस दिन भगवान हमारे सामने खड़े थे और मैं अंधा कधा पाजी आपको पहचान नहीं सका, ओ गलती हो गई जी, माफ कर दो जी, टेरिबली सॉरी, मैं क्या आदत मानू, है जी, है जी, ओ अनंत सरीन साहब मैं आपका पाजी, देखिए 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 माफ कर दो जी। अनंत सरीन साहब इस समय कुछ परेशान है, आप इन्हें और परेशान मत करिए प्लीज। परेशान अनंत सरीन साहब, तुसी परेशान? हेलो जी, ओ जी आप परेशान और मैं परेशान नहीं? ओ काके आपको नहीं पता ये मेरे भगवान है, मैं इनका भक्त हूँ, इनकी परेशानी मेरी परेशानी है, वो परेशानी क्या है जी? हैं? आई आई मैं बताता हूँ निखिल, थोड़ी रहने की समस्या है, हैं? फ्लैट की प्रॉब्लम है। ओ ओ हेलो जी ओ फ्लैट भी प्रॉब्लम है, ओ बस एनी डे ही गलत है, ओ जी फ्लैट मेरे घर है बिल्कुल, आप चलिए मैं पूरी बिल्डिंग आपके नाम कर दूंगा, आप मेरे घर तो चलिए, ओ मेरे घर चलेंगे, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। और अंतरी साहब माफ कर दो जी, गलती हो गई, टेरिबल सॉरी। सामान कितने है काका? समान होते कितने? मेरा घर आपका घर अनंत सरीन साहब, मैं नाम ही रखा है आनंद निवास। ओ मंगाता काके ओ लिया फटाफट यार, ओ बर्फ शर्फ लेके आया कि नहीं? ले आ जी, चंगा लिया 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 जी, बस केड़ा ब्रांड चलेगा जी? आजी ब्रांड केड़ा है जी? जी क्या कहा? पूछ रहे कौन सी शराब पीएंगे आप? जी मैं शराब नहीं पीता। ओए समझ गया समझ गया मैं, तुसी पुत्र के सामने शर्मा रहे हो हैं जी? ओ क्या है जी, वैसे तो हम भी अपने बच्चों के सामने तो नहीं पीते, पर गुड़लक के वास्ते हो जाते तीन चार दिन डेली है जी। पुत्र गल क्या है, असी हैं आर्टिस्ट लोग, वो आर्टिस्ट शराब नहीं पिएगा तो कौन पिएगा? ओ भगवान ने हमारे वास्ते तो बनाई है ये चीज है जी। पुष्करनाथ जी, भगवान ने सिर्फ पानी बनाया है, शराब आदमी बनाता है। ओए 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 पुत्र की गल कर देती तू, शाबाश शाबाश पुत्र, जीवती रह तू। ओए ओ बिल्कुल ठीक कहा, ओ ग्रेट डॉटर ऑफ ए ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट डॉटर जी। ओए मंगा तू लेके जा बारे नू, लेके जा बारे नहीं चाहिए पुत्र, आज तेरे वास्ते असी भी चाह पियांगे जी। चाह पूजा बेटे, सुना है तुम्हारा प्यारा बाप किसी चाट वाले का मेहमान है इन दिनों, तुम उसे आराम से नाश्ता करने दोगे? वो अपने घर में क्यों नहीं रहता? तुम्हें पता है उसका तो अपना फ्लैट है। तुम बाद नहीं आओगे? पूजा बेटे तुमने जवाब नहीं दिया। अपने घर इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरी माँ के बिना वो घर उसे काटने को दौड़ता है, इतना प्यार था उसे मेरी माँ से। अच्छा, सच जानना चाहती हो कि वहां क्यों नहीं जाता? नहीं सर, नहीं नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? चुप रहो। बोलिए क्यों नहीं जाता? क्योंकि उस घर की दीवारें छत चीख चीख कर कहती हैं कि वो खूनी है, तुम्हारी माँ का खूनी। पूजा बेटी वो घर इस बात का गवाह है कि उसने तुम्हारी माँ को बेदर्दी से इतना पीटा कि वो मर गई। मैं तुम्हें सब बताना नहीं चाहता था लेकिन तुमने कोई चारा नहीं छोड़ा, जाओ हो सके तो रहो अपनी मां के कातिल के साथ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पूजा बेटी जाओ, तुम्हारा प्यारा बाप अकेला। तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था कि तुम अपनी मां से कितनी मिलती जुलती हो,
गुस्से में तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती हो, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम्हारी माँ। कैसे मारा तुमने मेरी माँ को? क्या तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? कैसी बनी है ये तस्वीर? डालो मत। कैसे मारा था मेरी माँ को? अजीब बातें कर रही हो, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मारा था तुमने मेरी माँ को, तुमने मेरी माँ का खून किया था, उसके साथ प्यार का ढोंग किया था, और अब मेरे साथ भी प्यार का ढोंग कर रहे हो तुम। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों नहीं चले जाती हो मेरी जिंदगी से दूर? मैं अपनी माँ की खूनी के साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं। I will get out of your life. तुम भी, मेरी अपनी बच्ची, तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारी माँ का खून किया? नहीं किया मैंने तुम्हारी माँ का खून, नहीं किया मैंने प्रिया का खून। अब सुनो क्या हुआ था उस दिन। ईना से मेरा तलाक न होने की वजह से प्रिया से मेरे झगड़े बढ़ते चले जा रहे थे। उस दिन मैं फिर बीना के पास गया, उससे प्रार्थना की कि मुझे शादी से आजाद कर दे। डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। बीना ने और पैसे मांगे, लेकिन मेरे पास जो था मैं पहले ही दे चुका था। मैंने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, मगर उसने उन डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से साफ मना कर दिया। और मैं प्रिया से वादा कर चुका था कि उस दिन उन डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के बाद ही घर लौटूंगा। बीना बहुत देर तक उन कागजात को देखती रही और बाद में उसने उन कागज के टुकड़े टुकड़े करके मेरे मुंह पर फेंक दिए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे उदास दिन था। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो अब तक जागी हो? कैसी हो? छुटकी कहाँ है? सो रही है। तुम भी सो जाओ आराम से, ताकि मैं सारी रात अकेले जाकर यह सोचती रहूं कि मैं कल क्या करूं। प्रिया मुझसे झगड़ा शुरू मत करो, मैं बहुत परेशान हूं। परेशान तो मैं भी हूं आनंद। जानते हो स्कूल वालों ने छुटकी को दाखिला देने से इनकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसके सर्टिफिकेट पे पाप का नाम नहीं है। तो किसी दूसरे स्कूल में दाखिल कर दो। हर स्कूल यही सवाल पूछेगा आनंद कि बच्चे के बाप का नाम क्या है। तो दे दो ना मेरा नाम। व्हाट इज द प्रॉब्लम प्रिया? प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाप ठीक कहते हैं, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी रखेल हूँ। डोंट यूज दैट वर्ड, डोंट यूज दैट वर्ड। जब सब लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं, रखेल रखेल। शट अप शट अप। आई एम सॉरी प्रिया। मैं जा रही हूँ, अब तुम मेरा मुख कभी नहीं देखोगे। आई एम सॉरी प्रिया। नहीं नहीं चुप्पी, नहीं बेटे, नहीं नहीं। हेलो पापा। हाँ प्रिया। प्रिया क्या हुआ बेटा? पापा आनंद ने मुझ पर आज हाथ उठाया। क्या? मुझे मारा। मैं आ रही हूँ, मैं वापस घर आ रही हूँ। हाँ बेटा हाँ, आ जा जल्दी आ जा। No.
मेरी बाहों में दम तोड़ा। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते देखा। मैं कुछ नहीं कर सका। अगर मैंने उसे रोका होता, उसे घर से बाहर जाने ना दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होती। मुझे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, आप जिम्मेदार नहीं हो। वो एक हादसा था। आपने मेरी मां का खून नहीं किया। लेकिन मैंने उस दिन अगर उसको रोका होता तो शायद। भूल जाइए, इन सवालों के जवाब आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। परी मम्मी, आप और नाना जी इतने सालों से इस गलत फहमी का शिकार है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को मार डाला। ये सच नहीं है। जो हुआ वो एक हादसा था और मेरा बाप उसकी एक भारी कीमत इतने सालों से चुका रहा है। मुझसे उस हादसे की बात करके उनका बोझ कुछ हल्का हुआ है। पिछले 28 दिनों से उन्होंने शराब की एक बूंद नहीं चखी। लगता है वो शराब छोड़ देंगे। इन दिनों मेरी एक ही कोशिश है, किसी तरह वो गाना फिर से शुरू करते। मुझे नाना जी को साबित करना है कि मेरा बाप अब भी मांग का जीवन जी सकता है। मैं मजे से हूं, चिंता न करें। मैं थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगी। तुम्हारी पूजा। आनंद, छुटकी को सुलाते हुए तुम एक बहुत मीठी धुन गुनगुना रहे थे। काश मैंने वो उस वक्त रिकॉर्ड कर ली होती। क्या धुन थी। काश किसी दिन वो धुन तुम्हें याद आ जाए।
जिया रे सो जा रे, घर के हो जिया रे सो जा रे, डडी तेरे जागे तो सो जा रे। घर के हो जिया रे सो जा रे, डडी तेरे जागे तो सो जा रे। I just don't understand कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। देखो, हिमांशु का कहना है कि तुम्हारे डैडी को वो सब मान सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। ये फंक्शन जो न्यू इंडिया टाइम्स वाले करवा रहे हैं, पिछले 10 सालों में संगीत की दुनिया में ऐसा हंगामा नहीं हुआ। कल, आज और कल के सभी सिंगर्स मौजूद होंगे। जस्ट इमेजिन उन्हें कितनी पब्लिसिटी मिलेगी पूजा, जब वो स्टेज पर कल की आवाज के सिंगर का अवार्ड लेने जाएंगे। मेरी डायरी गुजरा हुआ कल नहीं है निखिल। अगर वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे तो आज की सिंगर के रूप में, कल के नहीं। Did you hear me yesterday? Yeah, I did. देखिए पूजा जी, उसके लिए आपको हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सेठ से मिलना होगा। वही सब कुछ कर सकता है, बाकी मेरे हाथ में तो
और जो कुछ मिस्टर सेठ और मेरे बीच में हुआ उसके बाद वो परमिशन क्यों देने लगे? प्लीज अंडरस्टैंड पूजा कि मिस्टर सेठ मुझसे, तुमसे, तुम्हारे डैडी से, हम सबसे नफरत करते हैं। तो वो परमिशन नहीं देंगे। दैट्स ऑल। वी विल सी। गुड मॉर्निंग सर। सिंथिया, सिंथिया, राजेश, हिमांशु। यस सर। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? ये पिताजी की तस्वीर पर हार क्यों नहीं चढ़ाया? सर, वो हार वाला नहीं आया। ये भी हार वाला तय करेगा कि पिताजी की इज्जत होनी चाहिए या नहीं। तुम लोग कुछ नहीं करोगे, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके हार लेके आओ, जाओ। कौन हो तुम? यहां मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? है सर, मैं पूजा हूं, आपके पीए से। हाँ जानता हूं, जानता हूं, तुम उस बदमाश निखिल की दोस्त हो और आनंद सरीन की बेटी। और अगर तुम अपने बाप की सिफारिश लेके आई हो तो भूल जाओ उसे, वो इस मुकाबले में शामिल नहीं हो सकता। और एक बात बता दूं तुम्हें, मैं बहुत ही मामूली आदमी हूं, कोई शौक नहीं मुझे अपने आप को महान कहलाने का। अगर कोई मेरी बेइज्जती करता है तो मुझे दुख होता है। हां मुझे दुख होता है और मैं उसे कभी माफ नहीं करता। और तुम्हारे निखिल ने मेरी आंखों के सामने यहां फाइलें फेंकी थी और यह मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता मैं। लेकिन सर, निखिल के किए की सजा आप मेरे पिता को देंगे? क्यों? क्यों? What do you mean by क्यों? मैं कोई जरूरी नहीं समझता तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना। तुम्हारा बाप ग्रेट सिंगर कभी रहा होगा, आज का सिंगर नहीं मानता मैं उसे। जाओ, तुम जा सकती हो। सर, मैंने अभी अभी देखा आप अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, कोई उनकी तस्वीर को इज्जत न दे ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या? सर, मैं भी आपकी तरह चाहती हूँ कि लोग मेरे पिता की इज्जत करें। वो अभी तक तस्वीर नहीं बने सर, जिंदा है। यकीन मानिए सर, वो इस मुकाबले में शामिल हो सकते हैं। प्लीज मेरे पिता को एक चांस दीजिए। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर सेठ, आपकी अपनी बारे में राय गलत है, आप मामूली आदमी नहीं है। आज की रात मेरी आज तक की मेहनत और लगन का इम्तिहान है। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा भी हो सकता है। मैं चाहती हूं कि इम्तिहान की इस घड़ी में आप सब मेरे साथ हो। अब मेरी फैमिली है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तेरी नाना जी का तो मैं नहीं कह सकती, मगर मैं और तारा भाई जरूर आएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नाना जी, आप आएंगे ना प्लीज? मुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मुझे तो वहां आना ही है। बात यूं है कि मैं जजों के पैनल का हेड हूं, कौन जीतेगा इसका फैसला मुझे ही करना है। मैं जानता हूं पूजा, तुम क्यों डर रही हो। तुम सोच रही हो कि वो कितना ही अच्छा क्यों ना गाए, अगर फैसला मेरे हाथ में हुआ तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। एक बात बताऊं पूजा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, इस मुकाबले का फैसला तो हो चुका है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस हरामजादे आनंद को जीतने नहीं दूंगा। एक बात और बताऊं पूजा, तुमने कहा था उसने बहुत दिनों से शराब नहीं पी है। हाँ। तो सुन लो, आज वो पिएगा।
उसने आज तक बगैर शराब पिए कोई शो नहीं किया है। नहीं, वो नहीं पिएगा। तो हो जाए शर्त, अगर आज उसने शराब नहीं पी तो मैं अपनी हार मान लूंगा, लेकिन अगर पी तो तुम घर लौट आओगी और फिर कभी उसकी सूरत नहीं देखोगी। रही शर्त। ऑस्कर। सर, सर वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए, कल आनंद स्टेज तक नहीं पहुंच पाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब मैं आपके सामने पेश करता हूं वो आवाज, वो सुनहरी आवाज जिसने 5 सालों से अपना जादू जगा रखा है, जिसके सामने कोई दूसरी आवाज टिक नहीं पाती। पूजा जी, हाँ, वो आवाज है सिद्धार्थ शुक्ला की। आइए सिद्धार्थ जी, आइए। पुलिस सुनो, बेस्ट ऑफ लक सिद्धार्थ। डब डबाई आंखें लब पे तेरा नाम आया, इश्क नाकाम सही फिर भी बहुत काम आया। डब डबाई आंखें लब पे तेरा नाम आया, इश्क नाकाम सही फिर भी बहुत काम आया। क्या ख्याल है, कौन जीतेगा? फिर भी बहुत पता नहीं। वाह, क्या गाता, क्या आवाज। क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो। ड्रिंक लोगे? Come on. Yes. Ne lo. Come on, Anand. Come on. Lo. Yes, yes, it's good. No. That's it. ऑस्कर, मैं दुनिया वालों से झूठ बोल सकता हूं, अपनी मासूम बच्ची से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता हूं? थैंक यू दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो अमर आवाज जो पिछले कई सालों से हम सब से दूर हो चुकी थी। आज एक बार फिर हम सबके बीच गुमनामी के अंधेरों से निकल के आ रहे हैं आनंद सरीन। आइए आनंद जी,
बहुत दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद जब कोई इंसान रोशनी में आता है तो उसकी हालत ठीक वैसी ही होती है जैसी आज मेरी हो रही है। इसे बंद कर दो भाई। शुक्रिया। इतने सालों बाद हजारों आंखें घूरती हुई बहुत बहुत अजीब लग रहा है। सच पूछिए तो मैं आज इस वक्त बहुत बहुत डरा हुआ हूं। हार जीत का कोई खास मतलब नहीं आज मेरे लिए, क्योंकि यह जगह जहां मैं खड़ा हूं ना तो पहलवानों का अखाड़ा है और ना ही रेस के घोड़ों का मैदान। ये संगीत की दुनिया है। यहां उन लोगों में मुकाबला होता है जो दर्द को पूजते हैं, पीड़ा की साधना करते हैं और अपने गमों को सुरों में ढालकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। सिद्धार्थ, बहुत अच्छा गाया तुमने। दरअसल सभी ने बहुत अच्छा गाया। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि जजेस मेरे बारे में क्या फैसला करेंगे, क्योंकि मैं यहां सिर्फ अपनी बेटी पूजा के लिए आया हूं, यह साबित करने के लिए कि उसकी कोशिशें बेकार नहीं गई। मैं हार भी गया तो जिंदगी रुक नहीं जाएगी। सूरज कल दोबारा उगेगा, दिन होगा, रात होगी। इसलिए पूजा, यह फैसला करने का हक मैं सिर्फ तुम्हें देता हूं कि आज मैं यहां हारा या जीता। Thank you.
आप बिकते हैं और लाते जिगर बिकते हैं, भूख बिकती है, दिल बिकते हैं, सर बिकते हैं। इस बदल दोस्तों, अब मैं श्री कामता प्रसाद जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो यहां आके आज के मुकाबले का नतीजा सुनाए। श्री कामता प्रसाद जी। दोस्तों, आज की शाम मेरे लिए भी इम्तिहान की शाम थी, क्योंकि मुकाबला शुरू होने से पहले ही मुझे पता चल चुका था कि किसी ने कोशिश की है कि आनंद सरीन इस मुकाबले में हिस्सा ही ना ले सके। किसी ने उसकी शराब में ऐसी दवा मिला दी थी कि वो गा ही ना सके, मगर वो शख्स हार गया। आप लोग उस मुजरिम का नाम जानना चाहेंगे। वो मुजरिम मैं हूं, कामता प्रसाद। मैं हार गया, मगर मेरी इस हार में मेरी बच्ची पूजा की जीत हुई है। पूजा, मेरी बच्ची तुम जीत गई। तुम्हारे पिता सचमुच एक महान गायक हैं। आज के इस मुकाबले का इनाम मिस्टर आनंद सरीन को दिया जाता है।
We've done it, Pooja. हम जीत गए. Pooja, we made it. मुबारक हो साहब. Congratulations. Pooja कहाँ है? वो आपके घर पर आपका इंतजार कर रही है. कहकर गई है असली जीत आपका वहां पर पहुंचना होगा. पूजा 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 क्या बात है डैडी? चप्पल बाहर निकालिए, फर्श गीला है. क्या कहा तुमने? चप्पल बाहर निकालिए, फर्श गीला है. नहीं, उससे पहले डैडी. डैडी? डैडी? Proud of you.